अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अदर व्लॉग। हसन हसन का भी मोए मोए हम कर दिया हमने। और अभी अभी ट्यूशन से आया हूँ, 8 बज गए हैं। देखिए टाइम आपको दिखाता हूँ, 8:30 बजे बल्कि आया हूँ ट्यूशन से। और मम्मा आज बना रही हैं जी आलू के पराठे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अभी दिमाग से मैं भी ठीक हूँ और मैं बनाने लगी हूँ आज आलू के पराठे। तो आप यहाँ मैं रख दी थी दही फेंट के, नमक डाल दिया इसमें, दही रख दी है साथ, पराठे भी साथ में, ज़रा दही अच्छी लगती है बच्चों को। यहाँ रखते हैं तवा और इसको रखते हैं, चम्मच लेते हैं, चुप हसन एक रोटी बना के रख दी इस तरह। फिर हमने दूसरी रोटी बनानी है थोड़ी सी, दिखाते हैं आपको हम कैसे बनाते हैं जी आलू के पराठे, है ना अब्दुल्ला? हमने इसमें आलू भरने हैं। आलू भरे, आलू हसन आलू वाले पराठे बना रहे हैं हम। और ये दूसरी रोटी यहाँ पे रखनी है ऐसे। ये देखिए नहीं, बड़े मजेदार होते हैं सर्दियों में, तो सौगात है ना बोला, तो खाते सर्दियों में मजा आता है आलू वाले पराठे खाने का। आलू वाले हो गए, साग का पराठा हो गया, और साग का पराठा, पालक का पराठा, मूली का पराठा, ये सब पराठे सिर्फ सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा सा खा लूँ अम्मा, झूठा नहीं करना, अलग से हाथ में लो। स्पाइसी बहुत हो रहा है। बच्चा बड़ी मिर्ची है यार, मिर्ची है दही में, मैंने इसलिए ना मिर्ची नहीं डाली ना, दही में ना नमक डाला है, मुझे पता था मिर्ची ना आलू वाले में तेज हो गई है, इसमें आलू के। पहला पराठा ये मेरा है। पहला पराठा हसन को दे देना। क्यों? मैंने मम्मा नहीं, लड़ाई करता है ना। नहीं मुझे नहीं पता, मैं अभी पिटीशन से आया। अच्छा लगा रोने लग जाता है इसकी ना, कहता सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अच्छा इसको देना, सारा कुछ तोड़ा है वो। पराठे जी हो चुके तैयार, और ये है पहला मेरा। ये देखें ये पहले मैं ले लूं, पहले मुझे, मैं आपको भाई हूँ ना। छोटा छोटा रोएगा, उसको दे दो पहले पराठा, सबसे छोटा है ना घर में, वो कुछ तंग करता है। सबसे छोटा, अच्छा ये छोटा पराठा बनाया आपको अभी तक खाने का है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए धक्का था बस गया हमारा, और आलू वाला पराठा मेरा बन गया है, और दिखाते हैं जरा बारीक हो जाए नहीं। क्या था आलू वाला पराठा? तो देख मेरा पराठा बन गया, अभी आपको दिखाता हूँ। मम्मा दूसरा चढ़ा दो। ये देखिए मैं बनाटा बन गया, ये देखें, ये देखें, और मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी, मुझे भी। ये भैया आ गए अचिन काम ने, भाई इसकी शक्ल देते हैं, इसकी शक्ल देते हैं। फोन आ रहा है पापा का, फोन आ रहा है। पराठा मैंने बच्चों को बना के दे दिया है, और अब यहाँ जी बन रही है चाय, क्योंकि मेरे बच्चे आलू वाला पराठा जब खाते हैं तो साथ ज़रूर उसके ना चाय का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना वो पराठा रात के टाइम जब खाओ ना तो गले में ना चिकनाई सी हो जाती है, तो इसलिए मैं इनको लाजमी पराठे के साथ और चावलों के साथ, या मैं चावल वगैरह बनाती हूँ या मैं आलू वाला पराठा बनाती हूँ, कोई भी किसी किस्म का पराठा बनाती हूँ तो चाय ज़रूर बच्चों को देती हूँ। चाय भी चढ़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जी आ गई हमारी चाय, चाय पक रही है। हाँ, और हसन यहाँ पे लेने आ जाए दही। दही और पराठा है बच्चे खा रहे हैं। चलो आप दही लेके चलो, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, तो बच्चे यहाँ पे जी एंजॉय कर रहे हैं आलू वाला पराठा,
ये देखिए जी, अब्दुल्ला खा रहा है। ये अब्दुल्ला साहब ने बाइट तोड़ी है अभी। अब्दुल्ला भी खा के बताएगा आपको कैसा लगा। कैसा अब्दुल्ला, मजा आया? हाँ चलो अभी अच्छा भैया हसन को भी दिखा, चलो अभी आप भी खा के दिखाओ, जल्दी से खा के दिखाओ। अच्छा आप खा के दिखाओ, जल्दी से देखो हसन ने ऐसे खाया। हाय हाय गंदा सारा गिरा दिया हसन ने। चलते हैं जी किचन में, रखी हुई चूल्हे पे चाय, ऐसा ना हो कभी चाय गिर जाए। चाय बना, चाय बच्चों को पका के बच्चों को चाय भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा ये एपिसोड जो है ये दूसरा है। हमने कल जब दिखाया था आपको वो बच्चे खा रहे थे जी आलू का पराठा, तो कल का व्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि वो इसलिए कि ना वो मेहमान आ गए थे कुछ रात के टाइम। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बड़ी दूर से वो आई थी, तो इसलिए ना व्लॉग को मैं एंड नहीं कर सकी। तो आज का वो जो व्लॉग है हमारा, कल का और आज का मिला के हमारा ये एक व्लॉग बन रहा है कंप्लीट। अब मैं जी दिखाती हूँ आपको हसन को, हसन ट्यूशन से आके जी सो गए। हसन मुन्ने जल्दी जल्दी से खड़ो, जल्दी से खड़ो, व्लॉग नहीं बनाना आपने हैं, टोपी भी पहन के सो रहा है सब कुछ। हसन खड़ो जाओ जल्दी से, पापा आ गए बाबा। चाय पीनी है तो यहाँ मुझे मैंने रखी हुई चूल्हे के ऊपर चाय, चाय पक रही है। ये देखिए जी, हाय लाइट खोलती हूँ मैं ऐसी फ्लैश लाइट। यहाँ जी मैंने चाय बनाई भी है क्योंकि इसके बाबा आ गए हैं, चाय पियेंगे, बच्चे भी चाय पियेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत शदीद ठंड हो रही है। हाँ तो बस हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह आपसे चाहते हैं इजाज़त, किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, दुआ में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।